हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बस अभी आज है 12 तारीख, कल 13 और फिर है उत्तरायण, मकर संक्रांति। बहुत ही मजा आएगा। बस खाली प्रॉब्लम यही है कि इस एरिया में बहुत ही कम पतंग चढ़ते हैं, पर इट्स ओके, चढ़ जाएंगे हम टेरेस पे। और अगर मतलब फ्रेंड्स के यहाँ भी हमें जाना है जो बाजू के ब्लॉक में, तो ऐसे ही एंजॉय करेंगे। और अगर पतंग चढ़ाने की ज़्यादा चूल होगी तो फिर दूसरे एरिया में जाएंगे। और वृष्टि को अभी छोटी बुक्स ना छोटी पढ़ रही है, इसलिए बड़ा सा बोर्ड लेके ये पढ़ रही है। अच्छा लगता है, लेकिन ये बोर्ड तो दीवारों पे टांग के उस पर पढ़ा जाता नहीं कि गोद में रख के पढ़ा जाता। ये देखो, जब मैं छोटी थी तब छोटी स्लेट थी, अभी मैं बड़ी हूँ तो मेरे को बड़ी स्लेट है। हाँ, तो ये स्लेट नहीं है, ये बोर्ड है। स्लेट मान के भी चल सकती है। ये स्लेट है ना, अभी बोर्ड ही है। नहीं, ये स्लेट है। इसका कलर चेंज हो गया, इस पर चौक से लिख सकते, उसमें मार्कर से लिख सकते। स्लेट ना, बोर्ड। हाँ, बोर्ड इससे भी बड़ा होता है, ये स्लेट ही है। ये बोर्ड ही इससे भी बड़ा होता है और इससे छोटा भी होता है। जो हटते हैं इसे, जो बैग में लेके जा सकते हैं, वो स्लेट होती है। इसमें ये बैग नहीं, में लेके जा सकते हैं। नहीं, स्लेट है यार, 12th स्टैंडर्ड वाले स्लेट है। ये आपको नहीं पता। तो फिर कॉलेज में आएगी तो क्या लेगी इससे बड़ा? हाँ, थोड़ा और। कॉलेज में ही रहना, एक्स्ट्रा लार्ज। वो घर में नहीं आएगा, तो वहीं पे रहना और वहीं पे बनाना। नहीं, इधर आ सकता है, मैं समा दूं। ये घर ना अपना एकदम बेचारा छोटा है, तुम्हारा बोर्ड इसमें आएगा। बहुत टाइम से कैरम ही नहीं खेले अपने। चले 12 खत्म कर तो कैरम वैरम खेले, बाहर जाए, बैडमिंटन है, आप लोग खेल सकते हो ना। मम्मी को ऐसा लगे ना कि अगर तुम मतलब साथ नहीं हो तो मम्मी को ऐसा लगे कि भैया वृष्टि के बगैर मजा नहीं आता, ये सब नाटक। सब नाटक ही लगता है आपको तो। हम यहाँ पे पृथ्वी पे नाटक करने ही आए हैं, और खेलता है ऊपर वाला, समझ गई? जो तुम चाहते हो कभी होता है नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाला चाहता होता है, इसलिए उसके हिसाब से ये सब होता है ना। तुम चाहते हो कि फर्स्ट नंबर है, 100% है, लेकिन आते नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने चाहा कि इतने ही नंबर आए। मेन टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे तो तुम सब भूल जाते हो, है ना। तो तुम तो याद करके गई ली, बस स्टिल भूल गई, क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि ऐसे इतने ही परसेंटेज ला रहे हैं देने, इसलिए ऐसा होता है। तो हम तो यहाँ पे नाटक करने ही आए हैं। ऊपर वाला जो है ना, ये छत के ऊपर और ऊपर वो ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। अच्छा। हम तो बस पपेट है, वो डोरी जैसे जैसे घुमाता है। लेकिन अपने अगर हम पपेट है तो हमें वो हमारे लाइफ में होने वाले सुख दुख का हम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ रहा है। हाँ, लेकिन हम जो पपेट बनाते हैं और ऊपर वाले ने जो हम लोगों को पपेट के रूप में यहाँ पे भेजा है, वो डिफरेंट है। तो ये सब अंदर डाल के भेजा है। ऐसा थोड़ी होता है, अभी ऐसा होता सब है। कुछ मतलब हर ऐसी वाली चीज तो फिर हम इंसान ही भुगते, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ऊपर वाला डायरेक्टर है और हम सब एक्टर है। अरे खुदा बख्श, इतना मत सोच कि सोच गहरी हो जाए और इरादे कमजोर पड़ जाए। एक बार ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद यादव मैच देखने गए, और मैच देख रहे थे और एक बंदे ने शॉट मारा और सब खिलाड़ी उस बॉल को चौका या छगा रोकने के पीछे इसके लिए दौड़े। तो लालू प्रसाद ने कहा कि भाई एक गेंद के सब पीछे इतने लोग क्यों दौड़ रहे हैं, भाई सबको एक एक गेंद दिला दो। हाँ, ये आर्टिफिशियल हंसी है जो बहुत ही गंदी लगती है वैसे तो। जैसे आपने लालू प्रसाद यादव बोला ना, मुझे लगा है कि ये बहुत पुराना वाला जोक है। हाँ, लेकिन मैंने पहली बार बोला रहा है, इसलिए ये नया है। ओ, ऐसा और बहुत सारे लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, तो मैंने सुना दिया। जो मन में होता ना वही करो, ये मत सोचो कि क्या पुराना क्या नया, एवरीथिंग इज एवरग्रीन। एकदम सुना भी नहीं है इसने, मैंने क्या बोला, नहीं ये सुना भी नहीं। स्टिल छोड़ो बात को, रोटी सब्जी का अभी बहुत लेट हो गया है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि थेपला बना दूं क्या, कि वही की चीज में हो जाए जल्दी। कोई बात नहीं, वृष्टि बना देगी। उसका 12th खत्म होने दो, फिर तो मैं एक साल की छुट्टी पे जा रही हूँ। आपको पता है ये इसकी हंसी देखो, कनिंग हंसी के हाय, अब ये मुझ पे आएगा। चल सुन ले यार, पत्नी की बातों को सुन लेना चाहिए, वरना फिर लोचा हो जाता है। क्या हो जाता है वो, फिर वो अगर हम पत्नी की बात को नहीं सुनते तो वो बार बार हमें सुनाती है। पर आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं
पड़ता। लेकिन अगर एक बूंद भी पत्थर के ऊपर पड़े ना तो उसमें भी हॉल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब लोचा हो जाता है भाई। गॉड हाँ, तो बोलो क्या कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि वृष्टि के 12th के बाद मैं 1 साल की छुट्टी पे जा रही हूँ। 1 साल? अच्छा, इतना सारा कहाँ जाने वाले? मतलब काशी घर पे है पर किचन से छुट्टी ले रही हूँ। अच्छा, ओ वृष्टि बोल सोचे हुए कि 12th चलता ही रहे, कभी खत्म ही ना हो। नहीं नहीं नहीं, इतना इतने के लिए मैं इतना नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें काम करना अच्छा लगता है? नहीं लगता। अगर उसमें मैं सॉन्ग्स को ला दूं ना बीच में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं घंटों तक कर सकती हूँ, कोई दिक्कत। अच्छा, लेकिन अभी कोई अच्छी चीज मतलब वो ना हो ना, मतलब इन शॉर्ट नहीं अच्छा लगता घर का काम करना। आप जैसे चाहती क्या हो, मैं क्या बोलूं, घर का काम बोला। मैं कर... नहीं बोला। नहीं मुझे नहीं बात, जैसे कि हम मुझे जैसे हम खाना खाते हैं, हम कुछ भी मतलब घर में बनाया हो और खाना खाते हैं और समझो कि सब्जी अच्छी नहीं बनी या तो फिर हमें पसंद नहीं वो बनी है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? अचार का। वैसे ही अगर तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो किसका सहारा लोगी? खाना खाते खाते वक्त पिक्चर क्यों देखते? वो मनोरंजन के लिए होता है। ये भी मनोरंजन है मेरा। ना। हाँ, तो ये मनोरंजन नहीं तो के? ना, वो साथ में हम थोड़ी देर के लिए ही बैठते हैं, तो इसीलिए हम पिक्चर लगाते हैं और ये बात करो। हमें जैसे कि अगर तुम जो भी काम सुनते सुनते करते हो तो काम में फोकस नहीं रहता ना, है ना। अगर हम मूवी देखते देखते खाते हैं तो हम ज्यादा खा लेते हैं, अच्छे से खाते हैं। हाँ, है ना, तो ये फर्क पड़ता है। मूवी देखने का होता है इसीलिए, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मूवी हो जाता है। वैसे काम में मेरा ऐसा ही होता है, ये दोनों चीज एक ही जैसी है। दोनों अलग अलग है, काम और खाना दोनों अलग है। अच्छा चलो, अभी तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? फिजिक्स। चलो गाना चालू करो। हाँ मैं गा सकती हूँ बिल्कुल। नहीं, गाने गाने के लिए नहीं बोल रहा, तो? किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गाना सुनो और फिर पढ़ो। देखो कोई फिजिकल वर्क होता है ना तो हम कर सकते हैं, जिसमें जैसे कभी घर का काम करने में दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत। वैसे कहीं भी नहीं करती वैसे तुम, क्योंकि जब भी ये बर्तन साफ करती है ना गाने सुनते सुनते, तो पाउडर ये पाउडर ना रह जाता है और उसकी मम्मी को वापिस साफ करना पड़ता है। इसकी बैटरी अभी खत्म हो गई। पता है ना कि जब तक पापा तुझे परेशान नहीं करते उनका दिन नहीं बट दिन शुरू ही नहीं होता है, तुझे पता तो है। लेकिन ऐसा मैंने क्या गलती की यार जीवन में कि जीवन? तो पापा की बेटी हुई, वही तेरी सबसे बड़ी गलती है। हाय हाय। तुझे बहन बन के जन्मना था। ये चाहिए था बस, ये कुछ नहीं, अगले जन्म में देखते है। आप आइएगा। अच्छा, लेकिन कर्म अच्छा करोगी तभी मनुष्य जीवन मिलेगा, वरना तो यू विल बी इन ट्रबल इन नेक्स्ट बर्थ। वो तो भगवान को ही पता, हम पपेट नहीं है। कर्म 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 तो हम पे छोड़ा है ना, कर्म कैसे करते हो वो। हाँ, ओके ओके ओके, अब मैं इससे ज्यादा और नहीं झेल पाऊंगी, मेरी कैपेसिटी आ गई है। बस खत्म। हाँ, बस बस, ओके, टाटा, बाय बाय, खत्म। तो पपाया इज रेडी, लेकिन अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर के बाद खाएंगे। और ये मैं अकेला नहीं खाने वाला, हम तीनों मिलकर, हम दोनों मिलकर खाने वाले, क्योंकि वृष्टि को दे दिया है खाने के लिए। और ये पपाया के खाने से क्या फायदा होता है? पपाया खाने से ये फायदे होते हैं कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होता है, और ये डाइजेस्टिंग पावर को प्रमोट करता है और स्किन को हेल्दी रखता है, और वेट लॉस में भी लोग काम करते हैं, फैट लॉस होता है इससे, तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये पपाया। तो खाली पेट आपको खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, इसने खत्म कर दिया है बहुत ही अच्छी तरह। कितना लिया था ये? पूरा बाउल भर के दिया था। ओके, दया नहीं करते इसे, दया नहीं बोलते वो, मैं कैरिंग बोलते, कैरिंग। हाँ, वो मैं समझती हूँ, है ना, लेकिन बोलती नहीं।